हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने प्योर बेंडिंग एंड प्योर टॉर्शन के बारे में बात किया था, एंड आज के इस सेशन में हम लोग इसेंट्रिक एक्सियल लोड के बारे में बात करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट लोड अंडर ट्रांसवर्स शियर लोड उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। दैट मीन्स यदि किसी बीम पर इसेंट्रिक एक्सियल लोड अप्लाई किया गया है तो उसका इक्विवेलेंट लोड कौन कौन सा होगा, किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे ये हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जब किसी बीम पर शियर फोर्स अप्लाई हो रहा हो, ट्रांसवर्स शियर लोड अप्लाई हो रहा हो, तो उसका इक्विवेलेंट लोड कौन कौन सा होगा ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आपको बस ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में सेशन को शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे फर्स्ट केस है हमारा इक्विवेलेंट लोड अंडर इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इक्विवेलेंट लोड अंडर इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ओके चलिए। इक्विवेलेंट लोड अंडर इसेंट्रिक एक्सियल, मान लीजिए माय डियर, ये हमारा बीम है, इसका वन एंड फिक्स किया गया है। दिस इज आवर बीम, और इस बीम का वन एंड फिक्स किया गया है एंड वन एंड फ्री है। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम, और यहां पर एक लोड अप्लाई किया गया है जिसे हम लोग इसेंट्रिक एक्सियल लोड कहते हैं। मान लीजिए कि यहां पर लोड अप्लाई किया गया, इस पॉइंट पर एक लोड अप्लाई किया गया है पी। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये जो लोड पी है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है बट अवे है, कुछ डिस्टेंस पर है, कुछ इसका इसेंट्रिसिटी है, तो इसीलिए हम लोग इसे इसेंट्रिक एक्सियल लोड कहेंगे। और उसका इसेंट्रिसिटी दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। स्मॉल ई क्या है माय डियर, इसेंट्रिसिटी। ओके, तो जब किसी बीम पर इसेंट्रिक एक्सियल लोड अप्लाई किया जाएगा तो ये किस किस लोड के इक्विवेलेंट होगा, इसका इक्विवेलेंट लोड क्या होगा ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ स्टेप बताऊंगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको वहां पर स्टेप ध्यान में रखना है। पहला स्टेप ये है कि हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस उस बीम का फाइंड आउट करेंगे, पहला स्टेप। चलिए मैं आपको स्टेप लिख दे रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले स्टेप्स देखेंगे। स्टेप वन, डिटरमाइन डिटरमाइन से अच्छा है फाइंड लिख दीजिए, फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। पहला स्टेप ये है कि आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को फाइंड कीजिए, फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और जैसे ही आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मिल गया, तो इस केस में तो मैंने आपको दिखा दिया है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहाँ पर है और आप जानते भी हैं कहाँ पर होगा। तो स्टेप टू में क्या होगा, जो इसेंट्रिक एक्सियल लोड है उसी के बराबर मैग्नीट्यूड का दो इक्वल एंड अपोजिट लोड हम लोग इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर प्लेस कर देंगे। बात समझ रहे हैं मैंने क्या बोला आपको, इसेंट्रिक एक्सियल लोड के मैग्नीट्यूड के उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का दो इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये सेकेंड स्टेप है हमारा।
सेकेंड स्टेप में आपको ध्यान में रखना है इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड्स एट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर, एट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर पर हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड इंट्रोड्यूस कर देंगे इन सच ए वे दैट, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इन सच ए वे दैट हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे पी वन और पी टू इंट्रोड्यूस करेंगे और इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, क्योंकि मैंने लिख दिया है टू इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों लोड बराबर होगा और इसका मैग्नीट्यूड इसेंट्रिक एक्सियल लोड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, पी वन बराबर पी टू बराबर पी। ये हमारा सेकेंड स्टेप है और जैसे ही आप सेकेंड स्टेप देखेंगे वहां पर, ठीक है, तो अब आप वहां पर आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन सा लोड काम करेगा। चलिए एक स्टेप और भी मैं आपको बता दे रहा हूं, स्टेप थ्री, डिटरमाइन इसेंट्रिसिटी। डिटरमाइन इसेंट्रिसिटी, आप इसेंट्रिसिटी भी फाइंड आउट कर लीजिए, इसेंट्रिसिटी वहां पर कितना काम कर रहा है, तभी आप वहां पर मोमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी। तो आपने क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पर दो स्टेप देखा किस तरह हम लोग इक्विवेलेंट लोड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फाइंड करेंगे। चलिए मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूँ, ठीक है, हम लोग फिगर फिर से बना रहे हैं। ये हमारा बीम है एंड दिस इज आवर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। पहला स्टेप है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को फाइंड कीजिए, तो हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को फाइंड कर लिया, मालूम कर लिया कि ये कहाँ पर है एंड आपका इसेंट्रिक एक्सियल लोड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, दिस इज पी और ये इसेंट्रिसिटी इसका ई है। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि इसी लोड के बराबर दो इक्वल एंड अपोजिट लोड हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर प्लेस करेंगे, कर दीजिए, आपको जहां भी इच्छा है आप वहां पर लोड को प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर आप दो इक्वल एंड अपोजिट, ये हो गया फॉर एग्जांपल मान लीजिए P1 एंड इस तरफ हो गया P2, क्योंकि हमें दो इक्वल एंड अपोजिट लोड को प्लेस करना है और इस तरह प्लेस करना है कि यहां पर P1 P2 और P तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो सेकेंड स्टेप में था कि हम लोग पी के बराबर दो इक्वल एंड अपोजिट लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर प्लेस करेंगे, ये आपने प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए माय डियर, अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, देखिए ध्यान से आप समझेंगे, ध्यान से आप समझेंगे। देखिए ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं माय डियर, ठीक है, ये सेक्शन आप यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर देखिए लोड P काम कर रहा है और इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आपका लोड P2 है, P2 है, P और P2 का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है एंड दिस इज योर इसेंट्रिसिटी। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि सर हमें एक बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, ए बेंडिंग मोमेंट, यानी लोड P एंड P2 ये दोनों एक बेंडिंग मोमेंट कंस्टिट्यूट करेगा, इस दोनों से हमें एक बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, ठीक है, दैट मींस पी एंड पी टू, लोड पी एंड पी टू, इस दोनों लोड से हमें क्या मिलेगा माय डियर, ए बेंडिंग मोमेंट, और ये बेंडिंग मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट होगा, तो याद कीजिए आप देख पा रहे हैं ये वर्टिकल प्लेन में है, मैंने बताया था आपको वर्टिकल प्लेन में कपल है, दैट मींस ये एक्स एक्सिस के अबाउट होगा, तो एम एक्स एक्स, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो पी इंटू ई, पी इंटू ई, एम एक्स एक्स इज इक्वल टू पी इंटू ई।
यहां पर हमें एक बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है इस इसेंट्रिक एक्सियल लोड के कारण। तो एक लोड तो हमें मिल गया। अब आप खुद सोचिए, यहां पर टोटल हम लोगों ने तीन लोड देखा है, एक पी था, एक पी वन एंड एक पी टू, जिसमें से आपने देख लिया कि पी और पी टू ये दोनों एक बेंडिंग मोमेंट हमें दे रहा है। अब एक लोड रिमेनिंग है, एक लोड बचा हुआ है, कौन सा? पी वन, यानी ये लोड यहाँ पर सिंगल काम करेगा। और ये पी वन क्या है? एक्सियल लोड है। ये पी वन क्या है माय डियर? एक्सियल लोड। तो इस कहने का मतलब यह है कि जब किसी बीम पर एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड काम करेगा तो वहां पर हमें दो लोड मिलेगा उसका इक्विवेलेंट। पहला एक बेंडिंग मोमेंट मिलेगा और दूसरा एक एक्सियल लोड मिलेगा। तो यहां पर आप इस फिगर के इक्विवेलेंट यहां पर आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा फिगर बनेगा आप देख लीजिए। दिस इज योर बीम, तो माय डियर पी और पी टू के कारण एक बेंडिंग मोमेंट यहां मिलेगा एम एक्स एक्स, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? पी इंटू ई। सिर्फ यही तो नहीं मिल रहा है, प्लस प्लस एक एक्सियल लोड भी हमें यहां पर मिल रहा है। तो आप प्लस कर देंगे और एक डायग्राम आप ये भी बना सकते हैं, या आप चाहते हैं तो सिंगल डायग्राम में भी दोनों को दिखा सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि मैं पहले आपको दोनों अलग अलग करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ओके, फिर यहां पर आपको एक एक्सियल लोड काम करेगा और ये एक्सियल लोड इस पॉइंट पर काम करेगा जो कि क्या है? पी वन है। और पी वन किसके बराबर है? पी के बराबर। देखिए माय डियर, तो हमें दो इक्विवेलेंट लोड मिल चुका है। एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड काम कर रहा था तो उसका इक्विवेलेंट लोड हमें यहाँ पर दो मिल रहा है। एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है और एक एक्सियल लोड मिल रहा है। आज समझ में आ रहा है? तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबू बताइए कि यदि किसी बीम पर एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड काम करता है तो उसका इक्विवेलेंट लोड कौन कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे कि एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट और एक एक्सियल लोड के बराबर होगा। और कैसे हुआ? तो इसका बस स्टेप यह है कि आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फाइंड कर लीजिए और उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर जो इसेंट्रिक लोड है उसके बराबर दो इक्वल एंड अपोजिट लोड को प्लेस कर दीजिए और फिर वहां पर आप चेक कर लीजिए कि वहां पर क्या क्या काम करेगा। बात समझ में आ गया? चलिए, तो यहीं पर ओवर नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक सिंगल फिगर बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको दो फिगर बना के दिखा दिया है कि एक बेंडिंग मोमेंट काम करेगा और फिर मैंने प्लस करके दिखा दिया है कि वहां पर एक एक्सियल लोड भी काम करेगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक ही फिगर में सब कुछ दिखाने जा रहा हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, या पॉइंट हम लोग लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, पहले चलिए इसको बनाया जाए। आइए ध्यान देंगे आप लोग, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। आइए, ये हमारा बीम है, दिस इज आवर बीम। ओके, ये इस बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। यहां पर इक्विवेलेंट लोड कौन कौन सा होगा हम लोग सिर्फ वही दिखाएंगे। अब हम लोग इसेंट्रिक एक्सियल लोड नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसेंट्रिक एक्सियल लोड के कारण जो इक्विवेलेंट लोड हमें मिल रहा है सिर्फ वही आप शो कर दीजिए। ठीक है, एम एक्स एक्स, और यहां पर फिर एक एक्सियल लोड भी हमें यहां मिल रहा है, दैट इज पी। यही आपका हो गया डायग्राम। ठीक है, उस इसेंट्रिक एक्सियल लोड के कारण हमें यहां पर टोटल दो लोड मिलेगा। आइए अब इसको यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें स्ट्रेस देखना है। ठीक है,
फिर यहाँ पर डायग्राम देखना है, एक्सेल लोडिंग डायग्राम कैसा होगा, शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये सभी डायग्राम हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे कि किस सेक्शन पर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, ठीक है, और कहाँ पर मिनिमम होगा, ये हम लोग बात करेंगे यहाँ। आइए देखिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन फाइंड करेंगे। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। इस पूरे बीम पर देखिए किसी भी तरह का वर्टिकल लोड काम नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल रिएक्शन क्या होगा माय डियर, आर ए भी ये आपका जीरो हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, तो क्या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन माय डियर यहां पर जीरो होगा, बिल्कुल जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एक्सियल लोड आप देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसी के बराबर रिएक्शन होगा, यानी पी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन पी के बराबर। फिर यहाँ पर मोमेंट रिएक्शन भी होगा, और मोमेंट रिएक्शन किसके बराबर होगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बीम पर एक ही मोमेंट काम कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड पी इंटू ई है, तो इसी के बराबर मोमेंट रिएक्शन होगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मोमेंट आप देख पा रहे हैं क्लॉकवाइज में है, दैट मीन्स रिएक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। आप यहाँ पे मोमेंट रिएक्शन भी दिखा दीजिए। एम ए मोमेंट रिएक्शन एट ए, और ये किसके बराबर होगा, दिस इज ऑल्सो पी इंटू। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहां पर देखिए, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। देखिए माय डियर, तो आपने क्या देखा, आपने देखा पी एंड पी टू के कारण हमें एक मोमेंट मिल रहा था एम एक्स एक्स, और उसका मैग्नीट्यूड माय डियर कितना आया था, पी इंटू ई आया, मोमेंट कितना आया था, पी इंटू ई। अब यदि आप यहाँ पर कोई भी सेक्शन ले लेंगे माय डियर, कोई भी सेक्शन आप लेके दिखा दीजिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सेक्शन आपने लिया जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, तो आप यहाँ पर देखिए मोमेंट के फॉर्मूला में जो कि पी इंटू ई आया है, आपको एक्स का टर्म नहीं है, इसका मतलब ये क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट है, सेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। आप किसी भी सेक्शन पर यदि मोमेंट निकालना चाहेंगे तो वो मोमेंट क्या होगा माय डियर, सेम ही रहेगा, यानी हर पॉइंट पे मोमेंट सेम है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन सभी पॉइंट पर देखेंगे। एट पॉइंट बी, यदि पॉइंट बी की बात की जाए माय डियर, एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू जीरो है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बी पॉइंट पर माय डियर अगर मोमेंट की बात की जाए एम बी, तो मोमेंट यहां पर क्या होगा आप बताएंगे, ठीक है, तो मोमेंट क्या हो जाएगा, पी इंटू ई। ओके, एंड बी पॉइंट पर देखिए आपका सीयर फोर्स, सॉरी सॉरी सीयर नहीं, एक्सियल है ना, और बी पॉइंट पे एक्सियल लोड कितना है, पी है, दैट मींस एक्सियल लोड एट पॉइंट बी ये किसके बराबर है, पी के बराबर। ओके चलिए, अब फिर हम लोग देखेंगे एट पॉइंट ए ए पॉइंट पर एक्स का वैल्यू देखिए कितना है, एल, बीम का लेंथ एल है माय डियर, तो एक्स इज इक्वल टू एल पर, यानी मोमेंट एट ए ये भी पी इंटू ई के बराबर होगा, और वहां पर एक्सियल लोड भी देखिए पी ही होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहली बात आप ये देख रहे हैं कि सर यहां तो मोमेंट पूरे लेंथ पर सेम होगा, मोमेंट पूरे लेंथ पर सेम होगा, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, पहला पॉइंट। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सियल लोड पी काम कर रहा है, तो उस एक्सियल लोड पी का मैग्नीट्यूड भी पूरे लेंथ पर सेम होगा, यानी यहाँ पर एक्सियल लोडिंग डायग्राम भी बनेगा एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनेगा, बट शियर फोर्स यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो शियर फोर्स डायग्राम जीरो होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम भी यहाँ पर नहीं बनेगा, तो ये चीज तो आपको मालूम चल गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाने का तरीका आपको पता है,
इसे हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट कर देंगे नीचे की तरफ। आइए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर एक्सियल लोडिंग डायग्राम। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो उस बीम के लेंथ को डिनोट करेगा। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए। और आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ए पॉइंट पर एक्सियल लोड कितना है, पी है, और वो पॉजिटिव है ना जी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये टेंसाइल लोड है, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। तो इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, आप ड्रॉ कर दीजिए दिस इज योर पी। पी पॉइंट पर भी देखिए लोड पी ही है। अब आप इसको मिला दीजिए, एक्सियल लोड यहाँ पर पूरे लेंथ पर कांस्टेंट है। दिस इज पी, इस पॉइंट पर भी पी है, और आपने जो सेक्शन लिया है उस सेक्शन पर भी क्या होगा माय डियर, पी ही होगा। तो एक्सियल लोडिंग डायग्राम पॉजिटिव बन रहा है। दिस इज योर एक्सियल लोडिंग डायग्राम। ओके चलिए बहुत ही अच्छा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सीयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो सीयर फोर्स डायग्राम के लिए आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सीयर फोर्स काम ही नहीं कर रहा है। वर्टिकल फोर्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काम नहीं कर रहा है। दैट मीन्स सीयर फोर्स एट इच पॉइंट इन द मेंबर इज जीरो। ये आपका सीयर फोर्स डायग्राम सिंपली एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। आइए सीयर फोर्स डायग्राम भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि उसके लेंथ के लेंथ को डिनोट करेगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर जो बनाएंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब आप यहाँ पर फिगर में देखिए, जो मोमेंट एक्ट हो रहा है सेक्शन के लेफ्ट में एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट एंड सेक्शन के राइट में क्लॉक वाइज मोमेंट, तो यहाँ पर कौन सा शेप होगा, हॉगिंग शेप होगा, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हॉगिंग होगा, और हॉगिंग में मोमेंट हम लोग निगेटिव लेते हैं, तो आपका यहाँ पर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के नीचे आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर निगेटिव है। आप क्या देख रहे हैं, ए पॉइंट पर देखिए मोमेंट आपका पी इंटू ई है, मोमेंट तो यहाँ भी सेम है ना जी पूरे लेंथ पर। तो बी पॉइंट पर भी मोमेंट कितना है, पी इंटू ई, यहाँ पर भी पी इंटू ई। अब आप इसको मिला दीजिए, तो ये हो गया आपका निगेटिव डायग्राम। दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट हमें यहाँ पर मिलेगा। अब आइए, अब आपका एक डायग्राम और बचा हुआ है, इसे हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। बट यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट काम नहीं कर रहा माय डियर, तो ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ पर क्या होगा, हर एक पॉइंट पर जीरो होगा। ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम आपका सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो ये था माय डियर डायग्राम, ठीक है। और आपने यहाँ पर ये देख भी लिया कि जब किसी बीम पर इसेंट्रिक एक्सियल लोड एक्ट करेगा तो वहां पर इक्विवेलेंट लोड कौन कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं, मैं आपको पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, व्हेन ए मेंबर और ए बीम इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रिक एक्सियल लोड देन इट इज इक्विवेलेंट टू नंबर वन ए कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट A constant bending moment of magnitude P into E.
यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखना कुछ जरूरी नहीं है, बस इस केस में मोमेंट उसका मैग्नीट्यूड पी इंटू ई आया है, जरूरी नहीं है कि हर जगह उसका मैग्नीट्यूड पी इंटू ई ही रहेगा, ठीक है। हाँ, जो इसेंट्रिसिटी होगा वो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू वहां पर आपको पुट करना होगा, तो फिर आपका वैल्यू आ जाएगा। एंड सेकेंड, ए कॉन्स्टेंट एक्सियल लोड, कॉन्स्टेंट बोलने का यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, एक्सियल लोड तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा माई डियर, एन एक्सियल लोड, एन एक्सियल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा माय डियर। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेस देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, कहाँ पर मिनिमम स्ट्रेस होगा, ये हम लोग यहाँ पर अब फाइंड करेंगे। तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे, आइए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, ओके। और यहां पर एक्सियल लोड, इसेंट्रिक एक्सियल लोड कहाँ काम कर रहा था जी, यहां पर काम कर रहा, आपको याद होगा यहां पर एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड काम कर रहा था, और हम लोगों ने इसका इक्विवेलेंट लोड फाइंड किया, तो उसके लिए हमें क्या मिला था, इसका इक्विवेलेंट एक बेंडिंग मोमेंट मिला था एम एक्स एक्स, और एक एक्सियल लोड मिला था। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड यहां पर दिखाने का सिर्फ मेरा एक मकसद है, ठीक है, कि आपको स्ट्रेस समझाना है, इसीलिए मैंने यहां पर आपको इसेंट्रिक एक्सियल लोड यहां पर दिखाया है। आप नहीं भी दिखाएंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा, ओके। चलिए, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप देखिए इसेंट्रिक एक्सियल लोड किस तरफ काम कर रहा है, ठीक है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, आप यहां पर देख पा रहे हैं, ध्यान देंगे, देखिए इस फाइबर के नजदीक, इस फाइबर के नजदीक आपका इसेंट्रिक एक्सियल लोड काम कर रहा है, और ये जो बॉटम फाइबर है, बॉटम फाइबर वो इसेंट्रिक एक्सियल लोड से काफी दूर है, बॉटम फाइबर जो है वो इसेंट्रिक एक्सियल लोड से काफी दूर है, लेकिन इसेंट्रिक एक्सियल लोड के नजदीक, सबसे नजदीक कौन सा फाइबर है, तो आप बोलेंगे टॉप फाइबर। सबसे नजदीक, मैं बोलने का मतलब यह है कि हम लोग टॉप एंड बॉटम में कंपैरिजन कर रहे हैं, सबसे नजदीक टॉप फाइबर बोलने का मतलब बॉटम के रिस्पेक्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप यदि आप देखेंगे तो इस इसेंट्रिक एक्सियल लोड के सबसे नजदीक तो उसका बगल वाला जो फाइबर होगा वो होगा ना जी, बट वो हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर में कौन सबसे नजदीक है, तो टॉप फाइबर यहाँ पर सबसे नजदीक है। आप बताइए इसेंट्रिक एक्सियल लोड टॉप फाइबर के सबसे नजदीक है, तो इस लोड का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वो किस फाइबर पर पड़ेगा, टॉप फाइबर पर पड़ेगा। और यदि इस लोड के कारण स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस हो जाए तो फेल होने का चांस किस फाइबर को ज्यादा है, आप बोलेंगे सर टॉप फाइबर को सबसे ज्यादा चांस है कि वो फेल हो सकता है, क्योंकि लोड उसके नजदीक है। बॉटम फाइबर को फेल होने का चांस कम है क्योंकि वो लोड से काफी दूर है। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं, जिस फाइबर का फेल होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है माय डियर, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ये हमारे लिए क्रिटिकल है क्योंकि इसके फेल होने का चांसेस ज्यादा है, दैट मीन्स हमारे लिए क्रिटिकल है। तो जब हम लोग डिजाइन पढ़ते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हम लोग क्रिटिकल सेक्शन को ही सेफ करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन को ही यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेफ किया जाएगा ताकि ये फेल ना हो सके। और जब ये सेफ हो जाएगा, ठीक
ठीक है, लोडिंग के दौरान, तो बॉटम फाइबर तो ऑलरेडी सेफ है, उसका तो फेल होने का चांस पहले ही कम था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो जो क्रिटिकल सेक्शन होता है हमें वही फाइंड आउट करना होता है, तो हम लोग उसी को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि क्या होगा, यहाँ पर टॉप फाइबर को, टॉप फाइबर के फेल होने का चांसेस ज्यादा है। अब आप बोलेंगे सर टॉप फाइबर के फेल होने का चांसेस ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि टॉप फाइबर पर स्ट्रेस ज्यादा काम कर रहा होगा। बिल्कुल, स्ट्रेस ज्यादा काम कर रहा होगा तभी तो फेल होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि सेफ डिजाइन के लिए इंड्यूस्ड स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस। सेफ होने के लिए इंड्यूस्ड स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस से या तो कम हो या तो बराबर हो। तो अगर ये क्रिटिकल सेक्शन फेल हो सकता है तो इसका रीजन क्या होगा, वहां पर स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है। कितना स्ट्रेस आएगा, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज आप लोग ध्यान दें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और स्ट्रेस को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए दो लोड काम कर रहा है, एक एक्सियल लोड और एक बेंडिंग मोमेंट। तो इस एक्सियल लोड के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा उसे हम लोग एक्सियल स्ट्रेस कहते हैं, उसे आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ के अलोंग उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये इसका डेप्थ है। और अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक्सियल स्ट्रेस माय डियर क्या होगा, एक्सियल स्ट्रेस तो कॉन्स्टेंट रहता है और ये एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप डिनोट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इस डायरेक्शन में हम लोग इसे डिनोट क्यों कर रहे हैं जबकि स्ट्रेस तो यहाँ पर टेंसाइल है। माय डियर, स्ट्रेस टेंसाइल है, लेकिन ये डायरेक्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन रेजिस्टिंग फोर्स का है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का डायरेक्शन है। और देखिए एक्सटर्नल लोड आपका टेंसाइल नेचर का है, इस डायरेक्शन में है, तो माय डियर रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, तभी तो वो रेजिस्ट कर पाएगा। तो रेजिस्टिंग फोर्स का डायरेक्शन देखिए आपका किस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि कंप्रेसिव नेचर का है। अगर हम लोग इसे टेंसाइल नेचर का कह रहे हैं एक्सटर्नल को, तो ये कंप्रेसिव नेचर का है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा माई डियर, दिस इज सिग्मा ए एक्सियल स्ट्रेस, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, पी बाय ए करके, पी बाय ए, बात समझ में आ गया। तो एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट के कारण आपको बेंडिंग स्ट्रेस भी मिलेगा। तो चलिए इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ वाइज एक लाइन खींच देंगे। अब आप समझिए ये पिछला सेशन में मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा। देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इस मोमेंट के कारण माय डियर ये जो बीम है आपका, इस बीम का शेप कैसा होगा, तो आप देखिए यहाँ पर फिक्स है माय डियर, मैं एक छोटा सा फिगर बना के समझा रहा हूँ आपको, ये फिक्स है और मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये इसका शेप ऐसा हो जाएगा, इसका शेप ऐसा हो जाएगा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉगिंग। ये क्या कहते हैं, हॉगिंग। अब आप देखिए बेंडिंग मोमेंट के कारण, ध्यान से सुनना है, टॉप फाइबर की बात की जाए, टॉप फाइबर, तो टॉप फाइबर देखिए इस मोमेंट के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, दैट मीन्स टॉप फाइबर पर टेंशन क्रिएट हो रहा है, टेंशन आप देख के समझ भी पा रहे होंगे, इस तरफ बेंड हो रहा है, दैट मीन्स टॉप फाइबर पे टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो जब टेंशन क्रिएट हो रहा है तो टॉप फाइबर पे रेजिस्टिंग फोर्स कैसा होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा, कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, बात समझ में आ रहा है। तो टॉप फाइबर पे हमारा रेजिस्टिंग फोर्स कैसा होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा। तो आप यहाँ पर दिखा दीजिए टॉप फाइबर पे कंप्रेसिव नेचर का, माय डियर, टॉप फाइबर पे हमारा जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, दैट मीन्स कंप्रेसिव नेचर का। ओके, अब बॉटम फाइबर के बारे में देखिए, बॉटम फाइबर पे आप क्या देख पा रहे हैं, बॉटम
फाइबर पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, कंप्रेशन। तो इस कंप्रेशन को तो रोकना चाहेगा ना बॉडी, तो बॉडी के अंदर कैसा होना चाहिए, बॉडी के अंदर रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा और उसका नेचर कैसा होना चाहिए, टेंसाइल नेचर, तभी तो इसको अपोज कर पाएगा। तो रेजिस्टिंग फोर्स टेंसाइल नेचर का होगा, किसके लिए, बॉटम फाइबर के लिए। तो टेंसाइल नेचर को हम लोग इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, दिस इज आवर रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, देखिए यही आपका हो गया बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज योर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। चलिए अब यहां पर देखिए, ये जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस एट बॉटम, एंड दिस इज, ये जो आप यहां पर निकाले हैं ऊपर में जो आपका मैग्नीट्यूड है, दिस इज योर बेंडिंग स्ट्रेस एट द टॉप, एट द टॉप। कोई दिक्कत यहां पर समझने में जी, ये बेंडिंग स्ट्रेस एट द टॉप है, ओके। और चूंकि ये सिमेट्रिक सेक्शन है, तो बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड चाहे टॉप फाइबर पे या बॉटम फाइबर पर सेम होगा, क्योंकि वाई का वाई जो वैल्यू है, वाई क्या है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, डिस्टेंस ऑफ ए फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो वाई यहाँ पर बॉटम एंड टॉप के लिए सेम है, तो बेंडिंग स्ट्रेस भी टॉप एंड बॉटम पर सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो। अब देखिए ये चीज तो आपको समझ में आ गया, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके समझा दिया, ठीक है, ओके। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बाबू आप बताइए टॉप पर सिग्मा टॉप क्या होगा, यदि मैं आपको टॉप फाइबर पे स्ट्रेस के बारे में पूछ दूं कि बताइए टॉप फाइबर पे टोटल स्ट्रेस कितना काम करेगा, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए यहां पर एक्सियल स्ट्रेस काम कर रहा है, दिस इज योर एक्सियल स्ट्रेस एंड दिस इज योर बेंडिंग स्ट्रेस एट द टॉप, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। आप देखिए टॉप पर, देखिए आप टॉप फाइबर पर क्या देख रहे हैं, एक्सियल स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका क्या मतलब है, दोनों स्ट्रेस ऐड होगा, दोनों स्ट्रेस ऐड होगा, यानी सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी टॉप। अब देखिए यहां पर आपको माइनस साइन नहीं लिखना है, बहुत स्टूडेंट को लगता है कि सर इसका डायरेक्शन अपोजिट है, हम लोग कंप्रेशन ले रहे हैं तो यहां पर माइनस होना चाहिए, माय डियर बिल्कुल भी नहीं, ये डायरेक्शन किसका है, रेजिस्टिंग फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, ये बस उसको अपोज कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, बट स्ट्रेस तो हमें यहाँ पर टेंसाइल मिलेगा ना जी, टेंसाइल लोड काम कर रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा, ओके। तो इसीलिए हम लोग प्लस में लिखेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। अब देखिए यहाँ पर तो सिग्मा टॉप आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं माय डियर, सिग्मा टॉप इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, एम एक्स एक्स वाई जेड एक्स एक्स, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट लोड काम कर रहा था, मोमेंट काम कर रहा था, दैट मीन्स सिग्मा ए आपका क्या है, पी बाई ए प्लस एम एक्स एक्स, मोमेंट का वैल्यू क्या था, पी इंटू ई, जेड एक्स एक्स, जेड एक्स एक्स क्या होता है जी, तो जेड के बारे में आप जानते हैं, आई एक्स एक्स डिवाइड बाय वाई मैक्स, वाई मैक्स, ओके। चलिए तो सिग्मा टॉप इज इक्वल टू पी बाय ए प्लस पी इंटू ई डिवाइड बाय आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स क्या होता है जी, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो बी डी क्यू बाय ट्वेल्व, बी डी क्यू बाय ट्वेल्व डिवाइड बाय वाई मैक्स है, वाई मैक्स क्या होगा, डी बाई टू। यहां से देखिए आपका, तो सिग्मा टॉप इज इक्वल टू पी बाय ए, ए क्या होगा, बी इंटू डी प्लस, यहां से देखिए टू ये सिक्स टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा, डी यहां पर एक डी कैंसल हो जाएगा, दैट मीन्स पी इंटू ई डिवाइड बाय,
पी डी स्क्वायर बाय सिक्स, पी डी स्क्वायर बाय सिक्स और सिक्स ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका स्ट्रेस का वैल्यू है कहां पर, टॉप में। और ये इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर टेंसाइल होगा, टेंसाइल नेचर का होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। और यही क्या है आपका, यही है मैक्सिमम स्ट्रेस, दिस इज योर मैक्सिमम स्ट्रेस। इसे ही आप क्या बोलेंगे माय डियर, मैक्सिमम स्ट्रेस इन द मेंबर। तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर एक्ट करेगा, तो वो कहाँ पर एक्ट करेगा माय डियर, टॉप पर एक्ट करेगा। ओके चलिए, तो टॉप पर तो आपने निकाल लिया, अब बॉटम पर देख लेते हैं। यदि आपसे सिग्मा बॉटम पूछा जाए कि बताओ बाबू बॉटम पर स्ट्रेस कितना होगा, तो बॉटम पर बस डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। एक्सियल स्ट्रेस माय डियर इस डायरेक्शन में है, एक्सियल स्ट्रेस इस डायरेक्शन में है, एंड बेंडिंग स्ट्रेस देखिए इस डायरेक्शन में है। ये आपका एक्सियल स्ट्रेस एंड दिस इज योर बेंडिंग स्ट्रेस एट द बॉटम। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप दोनों को माइनस करेंगे, दैट मीन्स सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी एट द बॉटम। इस तरीके से हम लोग डालेंगे, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि बॉटम पर कितना स्ट्रेस काम करेगा और इसका वैल्यू कम आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, कम आएगा, दिस इज योर मिनिमम स्ट्रेस इन द मेंबर। ये मिनिमम स्ट्रेस होगा, ये मिनिमम स्ट्रेस होगा माय डियर, बात समझ में आ गया। और जिस तरह हमें वैल्यू निकालना है वो आप जानते हैं प्रोसेस, जैसा मैंने आपको टॉप में बताया वैसा ही बॉटम पे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए सिग्मा बॉटम ये सबसे मिनिमम होगा। अगर न्यूट्रल एक्सिस पे बात किया जाए तो देखिए न्यूट्रल एक्सिस पे, न्यूट्रल एक्सिस पे एक्सियल स्ट्रेस तो काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल एक्सिस पर यदि आपको स्ट्रेस पूछ दिया जाए तो वहां पर एक्सियल स्ट्रेस तो काम कर रहा है, बट माय डियर बेंडिंग स्ट्रेस वहां पर जीरो है। अगर आपको स्ट्रेस का वैल्यू एट न्यूट्रल एक्सिस पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि सर सिर्फ वहां पर एक्सियल स्ट्रेस काम कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस बिल्कुल क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि आपने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, लीनियर वेरिएशन था, याद है ना। तो बेंडिंग स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस जीरो होता है, इसका मतलब यह है कि न्यूट्रल एक्सिस पर सिर्फ यहाँ पर एक्सियल स्ट्रेस ही काम करेगा, बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर काम नहीं करेगा न्यूट्रल एक्सिस पे। तो ये मिनिमम थोड़े ही हुआ जी, ये मिनिमम स्ट्रेस नहीं हुआ, क्योंकि ये सिग्मा ए है और बॉटम पर देखिए सिग्मा ए में माइनस करना पड़ रहा है हमें, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, बॉटम पे। और इसीलिए मैंने बताया था आपको, आप याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि टॉप पे, टॉप का फेल होने का चांस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर माय डियर मैक्सिमम स्ट्रेस काम करता है, तो उसके फेल होने का चांस ज्यादा होगा। बॉटम पे, बॉटम का फेल होने का चांस सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रेस मिनिमम यहाँ पर इंड्यूस होता है। ओके, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये था माय डियर इक्विवेलेंट लोड अंडर इसेंट्रिक एक्सियल लोड, और मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करके भी बता दिया। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके चलिए, अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका, ध्यान से आप देखेंगे, इक्विवेलेंट लोड अंडर टी एस एल। टी एस एल का मतलब क्या है, ट्रांसवर्स शियर लोड, या आप इसे सिंपली शियर फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट शियर फोर्स भी बोल सकते हैं। तो जब किसी मेंबर या बीम पर एक शियर लोड अप्लाई किया गया है, उसका इक्विवेलेंट लोड कौन कौन सा होगा, ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे, काफी आसान है, तो इसे हम लोग फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि आपको तरीका सब कुछ पता है कि किस तरह हम लोग इक्विवेलेंट लोड फाइंड करेंगे, तो आपको यहाँ पर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आइए देखिए, हमारे
मान लीजिए कि ये आपका कोई बीम है, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि ये आपका दिस इज योर बीम, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट, ये कोई बीम है या मेंबर है, ठीक है। और यहां पर देखिए बी पॉइंट पर एक टीएसएल एक्ट कर रहा है, दिस इज योर TSL, या आप इसे शियर फोर्स कहते हैं, या आप इसे शियर फोर्स। ओके चलिए, तो ये शियर फोर्स काम कर रहा है और इस बीम का लेंथ L है। हमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि बाबू बताओ इस शियर फोर्स के कारण यहाँ पर कौन कौन सा इक्विवेलेंट लोड हमें मिलेगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। ये हम हमें पता करना है। तो इसका क्या तरीका है, क्या मैंने स्टेप बताया है कि हम लोग पहले लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो मैंने आपको बीम का लेंथ दिखाया है, यही आपका क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रहा है माय डियर, तो चलिए एक अच्छा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके चलिए, ये आपका बीम, अब आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। दिस इज योर बीम, और यहां पर देखिए बीम के फ्री एंड पर एक शियर फोर्स या टीएसएल एक्ट कर रहा है पी। अब यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका इक्विवेलेंट लोड कौन कौन सा होगा। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, एंड लेंथ एल। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फाइंड कीजिए। तो ये तो हमारा फाइंड हो चुका है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सेकेंड स्टेप क्या है, तो सेकेंड स्टेप है माय डियर कि जो भी वहां पर लोड काम कर रहा है, तो आप देख रहे हैं टीएसएल काम कर रहा है, तो इसी के इक्वल दो, इसी के बराबर दो इक्वल एंड अपोजिट लोड हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर लगा देंगे। तो ये तो शियर फोर्स है ना जी, तो आपको शियर फोर्स लोड ही लगाना होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। आ समझ में आ रहा है, चलिए लगाइए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे आपका इच्छा है तो यहां पे लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पी वन, एंड दिस इज योर पी टू, पी वन एंड पी टू। और ये जो डिस्टेंस है माय डियर, डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स। क्योंकि ये लोड जो आपने इंट्रोड्यूस किया है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, वो थोड़ा सा हट के भी आप दिखा सकते थे, तो एक्स का वैल्यू वेरी कर जाएगा ना जी। यदि आपने इसको यहां पर लगाया होता, यहां पर लगाया होता आपने, अगर आपने यहां पर लगाया होता तो एक्स का वैल्यू चेंज हो जाता ना, बिल्कुल। चलिए, तो यहां पर आपने दो इक्वल एंड अपोजिट लोड को आपने यहां पर लगा दिया। ओके चलिए, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट लोड फाइंड करेंगे। तो मैं आपको वहां यहां पर अब उतना डिटेल में नहीं देखूंगा, ठीक है। हम लोग एक सिंपल एक डायग्राम बना लेंगे, उसी में दोनों में दिखा दूंगा आपको। बट यहां पर देख लीजिए, पहला जो इक्विवेलेंट लोड होगा वो फर्स्ट लोड हमें क्या मिलेगा, आप बस ध्यान दीजिए फिगर में, देखिए माय डियर, ये आपका बीम का पोर्शन दिखा रहा हूं, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यहां पर देखिए लोड आपका क्या है, पी टू, और यहां पर देखिए आपका लोड है पी। ओके देखिए, तो यहां पर देख लीजिए पी और पी टू मिलके क्या देगा आपको, पी एंड पी टू फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, लोड पी एंड पी टू, इस दोनों से हमें एक बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, ए बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और ये बेंडिंग मोमेंट जो हमें मिलेगा, ये किस प्लेन में है, आप देखिए फिगर में, ये किस प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है। दैट मींस आप इसे क्या कहेंगे, दिस इज आवर एम एक्स एक्स, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है जी, एक्स है, तो क्या हो जाएगा, पी इंटू एक्स, पी इंटू एक्स।
और इसका नेचर कैसा है ये तो आप देख ही पा रहे हैं, हॉगिंग है, दैट मीन्स माइनस में होगा, तो आप यहाँ पर माइनस साइन दे सकते हैं या आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके भी कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड देख लीजिए पी इंटू एक्स होगा। तो एक मोमेंट हमें मिल गया, क्या ये मोमेंट कॉन्स्टेंट होगा? बिल्कुल नहीं, एक्स का वैल्यू वेरी करेगा। पॉइंट बी पे देखिए, पॉइंट बी के लिए एक्स जीरो है तो मोमेंट एट पॉइंट बी क्या होगा? जीरो। पॉइंट ए के लिए एक्स का वैल्यू मैक्सिमम है, एल के बराबर है, तो मोमेंट वहां पर कितना होगा ए पॉइंट पर? मैक्सिमम पी इंटू एल के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमें वेरिएबल नेचर का मिलेगा, कॉन्स्टेंट नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया, और यहाँ पर मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान देंगे, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट के लिए देखिए एक्स का वैल्यू जीरो है माय डियर, आपका मोमेंट पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, एंड एट पॉइंट ए, ए पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू माय डियर कितना है? एल है, तो आपका मोमेंट क्या हो जाएगा पॉइंट ए पे? ये मैक्सिमम मोमेंट होगा और ये आपका पी इंटू एल। कोई दिक्कत? तो ये चीज तो आपको पता चल गया कि सर फर्स्ट फर्स्ट इक्विवेलेंट लोड हमें पता चल गया। अब सेकंड यहां पर क्या है? तो माय डियर ध्यान देंगे आप प्लीज, इस पी का काम हो चुका है, पी टू का काम हो चुका है, तो सिर्फ एक ही लोड बचा हुआ है ना जी, कौन सा? पी वन। तो ये पी वन कहां पर एक्ट करेगा? ये पी वन एक्ट करेगा पॉइंट बी पर। दैट मीन्स सेकेंड आपका इक्विवेलेंट लोड क्या होगा? एक कांस्टेंट सीयर फोर्स या एक कांस्टेंट टीएसएल। तो जिस तरह हम लोगों ने वहां पर देखा था, सेम वही चीज यहां पर हमें मिल रहा है, ठीक है, बट यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या है? वेरिएबल नेचर का। ओके, चलिए अब आप यहां पर एक डायग्राम बना देंगे, तो एक करेस्पॉन्डिंग डायग्राम जिसमें हम लोग मोमेंट एंड सीयर फोर्स को दिखा देंगे। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए। तो अब देखिए इक्विवेलेंट लोड कौन कौन सा होगा? एक सीयर फोर्स तो ये तो रहेगा ही, दैट मीन्स जहां पर सीयर फोर्स काम कर रहा था वहां पर तो एक सीयर फोर्स रहेगा ही पी वन, और वो पी के बराबर। एंड सेकेंड यहाँ पर क्या है कि एक मोमेंट हमें मिल रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर हमें मोमेंट मिलेगा और जिसका जिसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इस ए पॉइंट पे होगा, यानी एम ए, ठीक है, इज इक्वल टू पी इंटू एल, पी इंटू एल। और यहां पर पी एंड पी टू के द्वारा एक मोमेंट होगा एम एक्स एक्स, जो कि वेरिएबल नेचर का होगा पी इंटू एक्स। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर इक्विवेलेंट लोड आप देख पा रहे हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबू बताइए कि यदि किसी बीम पर टीएसएल काम कर रहा है तो वहां पर इक्विवेलेंट लोड कौन कौन सा होगा, तो आपको क्या बताना है कि एक तो वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट होगा एंड वन शियर फोर्स जो कि कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बताना है। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, सभी डायग्राम देख लेते हैं और फिर मैं आपको पॉइंट लिख दूंगा यहाँ पर जो कि आपको ध्यान में रखना है। आइए, तो यहां पर डायग्राम मुझे फिर से ड्रॉ करना होगा माय डियर। दिस इज पी, दिस इज एम एक्स एक्स, पी इंटू एक्स, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज आवर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, पॉइंट बी, पॉइंट ए। यहाँ पर देखिए आपका रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन एट पॉइंट ए, वर्टिकल रिएक्शन
ये पी के बराबर होगा, और मोमेंट रिएक्शन भी यहाँ पर होगा जी, एम ए इज इक्वल टू पी इंटू एल, बट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पर जीरो होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। अब आप यहाँ पर एक्सेल लोडिंग डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम सभी ड्रॉ कर दीजिए। आइए चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, बट यहां पर आप क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लोड काम नहीं कर रहा है यहां पर, ठीक है। तो एक्सियल लोड यहां पर किसी भी पॉइंट पे नहीं है, दैट मीन्स एक्सियल लोड जीरो। तो एक्सियल लोडिंग डायग्राम आपका सिंपली एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब आप यहां पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। शियर फोर्स डायग्राम, तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको यहां पर एक चीज समझा दे रहा हूं, ठीक है, वो हम लोग फिर बाद में देखेंगे भी। शियर फोर्स पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, दैट मीन्स उसका साइन कन्वेंशन अगर देखा जाए। आइए ध्यान देते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता ही दे रहा हूं, ठीक है। साइन कन्वेंशन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स, देखिए माय डियर, मान लीजिए कि कोई बीम है, ये मान लीजिए आपका बीम है, और इस बीम पर, बीम के फ्री एंड पर इस तरह एक लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन होगा माय डियर, आर भी जो कि पी के बराबर होगा। अगर इस तरह का फिगर है तो आप एक सेक्शन एज्यूम कीजिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, बस ध्यान से आप सोचिए, ठीक है, आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लोड अप्लाई हो रहा है उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ये है, अगर एक एंड फिक्स नहीं होता तो इस लोड का इफेक्ट क्या हो, क्या है, तो ये चाहेगा कि इसका लेफ्ट पोर्शन, बीम का लेफ्ट पोर्शन को अपवार्ड कर दे, ठीक है। इफ लेफ्ट पोर्शन को अपवार्ड करना चाह रहा है या राइट पोर्शन को डाउनवार्ड करना चाह रहा है वहां पे उसका इफेक्ट, ठीक है, या अगर आप फिक्स को कोई एक देखना है, अगर लेफ्ट ऊपर जा रहा है दैट मीन्स राइट नीचे आ रहा होगा, तो कोई एक देखना है, या आप राइट में भी देख सकते हैं, तो इस लोड का इफेक्ट क्या है, तो ये चाह रहा है कि ये जो राइट पोर्शन है, ठीक है, इसको हम नीचे की तरफ लेके जाएं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर उस सेक्शन पर शियर फोर्स पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल लेंगे मेथड ऑफ सेक्शन लगा के, ये मैं बता रहा हूं आपको कि साइन क्या होगा, प्लस या माइनस। तो अगर इस ऐसा आ रहा है, लेफ्ट ऊपर जा रहा है राइट नीचे आ रहा है, तो उस सेक्शन पे शियर फोर्स पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि निगेटिव कब होगा, तो इसी को आप रिवर्स कर कर देंगे माय डियर, ठीक मान लीजिए कि एक लोड यहां पर अप्लाई हो रहा है पी, तो इसका रिएक्शन क्या होगा माय डियर, दिस इज रिएक्शन। अब यहां पर देख लीजिए आप, सेक्शन आपका ये है, आप यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर लेफ्ट पोर्शन जो है ये नीचे की तरफ आना चाह रहा है, तो लेफ्ट नीचे की तरफ आना चाहेगा, इसका मतलब है कि राइट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। और आप यहां पर देख भी पा रहे हैं कि राइट ऊपर जाना चाह रहा है, इस केस में शियर फोर्स माय डियर निगेटिव होता है, उस सेक्शन पर शियर फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, याद रहेगा आपको ये चीज। तो ये था साइन कन्वेंशन। अब आइए इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, रिएक्शन देखिए ऊपर की तरफ लग रहा है, लेफ्ट को ऊपर करना चाह रहा है, या आप यहां से ये भी देख सकते हैं कि ये लोड नीचे की तरफ काम कर रहा है, दैट मीन्स राइट पोर्शन को नीचे ले जाना चाह रहा है, तो शियर फोर्स यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव। आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो उसके लेंथ को डिनोट करेगा
और चूंकि यहाँ पर शियर फोर्स पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव में डायग्राम बनाएंगे, ऊपर में डायग्राम बनाएंगे, और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, दिस इज पी। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, पॉजिटिव डायग्राम है। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर देखिए किस नेचर का है, तो हॉगिंग हो रहा है, तो ये बेंडिंग मोमेंट निगेटिव होगा। दैट मीन्स आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे माई डियर, उस लाइन के नीचे आपको डायग्राम बनाना होगा। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, लेकिन मैंने आपको वहां पर सभी पॉइंट पर मोमेंट निकाल के दिखाया था। बी पॉइंट पर देखिए मोमेंट जीरो था, ए पॉइंट पर मोमेंट मैंने कितना निकाला था आपको याद होगा, P इंटू एल। एक पॉइंट यहां B पॉइंट पे जीरो है और यहां पे ये मिल रहा है, तो आप इसको मिला देंगे, यही हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और आप देख पा रहे हैं कि ये वेरिएबल नेचर का है और ये निगेटिव है। निगेटिव कैसे है ये तो आपको पता चल गया, हॉगिंग है, ठीक है। फिर वेरिएबल नेचर का कैसे है, तो बी पॉइंट पे जीरो मोमेंट है बट ए पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो आप जब मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ट्राइंगुलर शेप मिलेगा आपको। ओके चलिए अब ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम की बात कर ली जाए। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए। तो ट्विस्टिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट पे काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ओके तो यहाँ पर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। When a member or a beam, member or a beam is subjected to is subjected to a TSL at the free end, अगर free end पे shear force काम कर रहा हो, at the free end, then this TSL is equivalent to this TSL is equivalent to number one, a variable bending moment, a variable bending moment, और ये bending moment maximum कहाँ होगा, maximum at fixed end, maximum at fixed end, एक variable bending moment हमें मिलेगा और उसका maximum value कहाँ पर होगा, fixed end पे। और second क्या मिलेगा हमें, second मिलेगा एक constant shear force, एक कांस्टेंट सीयर फोर्स। कहां पर मिलेगा सीयर फोर्स, एट द फ्री एंड, फ्री एंड पे पहले भी था और फिर बाद में भी एक फ्री एंड पे रहेगा, ठीक है। फ्री एंड पे तो था ही, उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो उसका इफेक्ट है कि एक वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट भी वहां पर प्रोड्यूस होगा और फिर वो वहां पर रह जाएगा। दैट मीन्स ए कांस्टेंट सीयर फोर्स एंड ए वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट। जब भी किसी बीम पर एक टीएसएल एक्ट करेगा, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि वहां पर एक वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट मिलेगा और एक सीयर कांस्टेंट सीयर फोर्स। आ समझ में आ रहा है, तो ये था माय डियर इक्विवेलेंट लोड अंडर टीएसएल। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने इक्विवेलेंट लोड अंडर इसेंट्रिक एक्सियल लोड देखा, फिर हम लोग इक्विवेलेंट लोड अंडर टीएसएल के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब इसके आगे का चीज हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके थैंक यू, बाय बाय।